जय लक्ष्मी माता। मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम नमस्कार करते हैं इस चैनल पर जो आप हमारे चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपका निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हिंदू धर्म से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही सामान्य जानकारी दे रहे हैं कि अगर पत्नी करे ये काम तो पति की हो जाती है तरक्की और साथ ही साथ आपके पारिवारिक रिश्ते में बहुत ही ज्यादा मधुरता देखने को मिलती है। दोस्तों, हमारे देश में महिलाओं को घर की लक्ष्मी माना जाता है, महिलाओं को उचित स्थान दिया गया है। कहा जाता है कि लड़की की शादी जिस घर में होती है वह घर स्वर्ग बन जाता है, लेकिन कई महिलाएं जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठती है जो न सिर्फ घर में कंगाली लाते हैं बल्कि आपके पति की तरक्की में भी बाधा बन जाती है। वास्तु शास्त्र के कई लोग मानते हैं और कईयों ने अनदेखा भी कर देते हैं। अगर आप भी वास्तु शास्त्र को मानते हैं और जीवन में चौगुनी तरक्की चाहते हैं तो इन्हें करने में कोई बुराई नहीं है। इनमें किसी तरह का कोई पैसा नहीं लगने वाला है। घर की ही कुछ आदतें हैं जिनको हम सुधार के अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। दोस्तों, पति की तरक्की के लिए आपको कौन से काम करने चाहिए इस बारे में हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहला है कि सुबह जल्दी उठें। दोस्तों, महिलाओं को घर की लक्ष्मी माना जाता है, ऐसे में उन्हें सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करना चाहिए। जिस घर की औरतें सुबह लेट उठती है माता लक्ष्मी वहां कभी भी वास नहीं करती। इसके अलावा सूर्यास्त के बाद महिलाओं को सोना भी नहीं चाहिए। इससे न सिर्फ धन की कमी होगी बल्कि पति की तरक्की में भी बाधा आती है। दोस्तों, महिलाओं को घर में साफ सफाई का जरूर ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो यह काम पुरुष भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। घर की साफ सफाई जरूरी होती है, चाहे महिला करे चाहे पुरुष करे। आपको घर के अंदर गंदगी व जूठे बर्तन नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और साथ ही साथ कंगाली के साथ अन्य परेशानियों का कारण भी बनती है। दोस्तों, झाड़ू को पैर या ठोकर मारने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है क्योंकि उन्हें उन्हीं का रूप माना जाता है। और इतना ही नहीं, इससे घर में दरिद्रता भी आती है, इसलिए झाड़ू को कभी भी पैर नहीं मारें। और ध्यान रहे कि घर में जो झाड़ू होता है उसे हमेशा छुपाकर ही रखना चाहिए। बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति की सीधी नजर उसके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा आपको रखना है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ शांत स्वभाव होता है वहाँ सब और शांति और तरक्की होती है। जहाँ शांत स्वभाव की महिला अपने घर को स्वर्ग बना देती है वहीं उनका गुस्सा सब कुछ बिगाड़ भी सकता है। ऐसे से बेहतर होगा कि आप अपने गुस्से पर काबू रखें। जिस घर में जिस स्त्री के साथ या जिस स्त्री द्वारा घर में क्लेश का माहौल बना रहता है वहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। आपको हमेशा सुख और शांति के लिए घर में सुंदर और शांतिपूर्ण माहौल रखना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि सूरज ढलने के बाद किसी को भी कुछ चीजें होती है जिन्हें उधार नहीं दिया जाता। साथ ही दिन ढलने के साथ दूध, दही, प्याज और लहसुन किसी को न दे। इससे आपके घर की लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है। दोस्तों, सुहागन महिलाएं कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको किसी को भी नहीं बांटना चाहिए। शादीशुदा महिलाओं को अपनी सिंदूर, दानी, बिंदी, पायल और चूड़ी के साथ किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। हाँ, आप नहीं दे सकते हैं लेकिन आपके द्वारा उपयोग की गई चीजें किसी को भी नहीं दे। इसे न सिर्फ आपके रिश्ते में प्यार कम होगा बल्कि आर्थिक हानि का भी कारण बनेगा। दोस्तों, महिलाओं को सूर्यास्त के बाद यह कार्य
नहीं करना चाहिए। सूरज डूबने के बाद महिलाओं को कंघी नहीं करनी चाहिए और न ही टूटे बाल घर से बाहर फेंकने चाहिए। इससे घर पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव पड़ जाता है और इसके साथ ही सूर्यास्त के बाद आपको कभी भी झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके घर और परिवार में शांति, ऐश्वर्य और तरक्की देखने को मिले। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद।